है हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड कनेक्टेड विद मोटरेबल रोड। सो गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की शुरुआत कर रहे हैं हम इस खूबसूरत बिल्ले से जो कि पिति रिवर के बगल में है। कल रात को काजा में हमें होमस्टे ना मिला, कहीं होटल भी नहीं मिले, सभी बुक थे। तो हम काजा से नीचे आ गए 15 किलोमीटर और यहाँ पे हमें होमस्टे मिला है। तो बस अभी हम एंजॉय कर रहे हैं अपनी मॉर्निंग टी और अभी इसके बाद हम निकलेंगे आज फिर वापस काजा जाएंगे। काजा में हिक्किम कॉमिक देखने के बाद में फिर हम नाको साइड जाएंगे। तो बस आज का प्लान ये है। सो गाइस तेल डाल देते हैं बाइक में। भाई तेल डल गया है, अभी करेंगे चेन लूप फिर अपना काम हो जाएगा, बाइक हो जाएगी आज की राइड के लिए रेडी। ब्रेकफास्ट करेंगे अभी भाई। आंटी जा जाए अंदर, यहीं बैठ के हम करेंगे ब्रेकफास्ट। और इस जगह का क्या नाम है बिल्लिस का? मैं भूल लिंगती में है हम। ये है किचन भी बोल सकते हैं इसको, डाइनिंग एरिया भी बोल सकते हैं, बड़ा सुंदर बना रखा है। सो गाइस चलो निकल चुके हैं, होम स्टे छोड़ दिया और हम जा रहे हैं काजा की तरफ। और ये स्पीति रिवर है जो मैंने सुबह भी बताया था, कल तक नहीं था पता मुझे। कोई तो विलेज के लिए रास्ता होगा यहाँ से। काजा 16 किलोमीटर है यहाँ से और ये मुद 34 किलोमीटर है यहाँ से। मुद विलेज होगा आगे चल के ना, चट्टाने बनी हुई यहाँ तो बहुत ज़्यादा हैं। ये कटी हुई हैं या पता नहीं हवा से या पानी से कैसे ओवर द टाइम पीरियड कट के ऐसा स्ट्रक्चर बन गया इनका, ये नहीं पता। फरवरी मार्च अप्रैल तक तो मेरे को लगता है बर्फ रहती है इधर अप्रैल तक। यहाँ कहीं कहीं पेड़ देखने को मिल रहे हैं, नहीं तो घाटियों ऊपर तो कोई पेड़ नहीं है। ये दिखे हैं पेड़, ये छोटी छोटी झाड़ियाँ दिखी हैं। और काजा 7 किलोमीटर है यहाँ से। सो गाइस मैं हूँ इस टाइम पे काजा में। ये देखो भाई काजा जो है ना वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है चारों तरफ से, इस साइड भी पहाड़ियाँ हैं और सामने जो दिख रहा वो काजा है और इस साइड भी पहाड़ियाँ हैं और बीच में जो है वो स्पीति रिवर है। मैं वेट कर रहा हूँ अपने साथियों का, वो रह गए हैं पीछे, आते हैं तो फिर चलते हैं आगे। और कॉमिक जाएंगे और हिक्कम जाएंगे। हिक्कम है वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है और कॉमिक जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल विलेज है कॉमिक। आगे काजा क्रॉस करने के बाद आगे से टर्न है, वो लेंगे जाके। तो भाई गाड़ी अपनी निकल गई आगे और हम काजा को अभी क्रॉस करके निकलेंगे आगे। और काजा में मेरे लेफ्ट साइड में जहाँ गाड़ी खड़ी है वहाँ हेलीपैड है एक, ये हेलीपैड है एक इधर। अभी पहले कॉमिक आएगा हिक्किम आएगा ये नहीं पता मुझे, पर जो भी होगा पहले उसे देखेंगे। दे दिया पास तो जाना ही पड़ेगा। कल तो नेटवर्क भी नहीं था पूरा, आप काजा में जब हम पहुंचे तभी नेटवर्क आया। तो नेटवर्क आया तो हमने सोचा काजा में रुक जाएं, मुझे वीडियो का काम भी करना था कुछ। और बाद में जब घूमते घूमते एक दो घंटे घूमे हम, किसी कोई भी होटल होमस्टे खाली नहीं था, सब बुक थे। फिर हमें आगे बढ़ते गए, रास्ते में पूछते रहे, पूछते पूछते ऐसे 15 किलोमीटर पहुँचे तब जाके कहीं मिला होमस्टे हमें। ऑक्सीजन यहाँ लेवल कम ही होगा बिकॉज यहाँ कहीं पेड़ पौधे तो है ही नहीं।
ऐसा ऑफ रोड स्टार्ट हो गया आज के दिन का एडवेंचर, आज के दिन का स्टार्ट होता है यहाँ से। गाड़ी तो चढ़ी जाएगी, रुके तो हैं, किस लिए रुके पता नहीं। हवा कम है टायर में, हवा डाल लेता हूँ थोड़ी, हवा कम लग रही है मुझे टायर में ना, सो हवा डालते हैं भाई थोड़ी सी, टायर की हवा भी चेक हो जाएगी कितनी है, लग जाएगा पता कितना प्रेशर है। 37.5 हो रखा है, कम करना पड़ेगा। यहाँ रुके थे, हवा भी डाल दी, फोटो भी ले लिए, सामने देखो चट्टान पे इंडियन फ्लैग बना रखा है, बड़ा सुंदर लग रहा है। गाड़ी निकल गई आगे, कच्चा रास्ता है पूरा ऊपर ऑफ रोड। चलो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, हवा थोड़ी सी ज़्यादा थी, कम नहीं थी। कॉमिक तो पूरा ऑफ रोड है, गाड़ी निकल गई फास्ट, हम भी निकल जाएंगे। चट्टानों के बगल बगल में चलते हैं, उस साइड बड़ी खाई है बहुत बड़ी मेरे राइट साइड में। इस टूर पे ना जब से आया हूँ राइट साइड में खाई मिली है, कल भी डर लग रहा था देख के, नीचे देखा नहीं जा रहा था। ये क्या है, झंडे झंडे लगा रखे हैं इधर, ऐसे लगाए होंगे क्या है पता नहीं। हाँ रुके हुए हैं भाई, चलते थे आगे, टॉप था इसलिए फोटो फोटो लेने के लिए रुके हुए जनता। यहाँ पे लिखा हुआ भी है वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, ये एक में है। और लोग यहाँ पे ना अपने नियर एंड डियर को पोस्ट कार्ड डाल रहे हैं। सो गाइस मैंने एक पोस्ट कार्ड भी डाला है यहाँ से, वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस से, देखते हैं पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है। Thank you.
गाइस हम निकल रहे हैं यहाँ से, आगे हैं कॉमिक, कॉमिक जा रहे हैं थोड़ा सा और हाइट पे है जाके कॉमिक। पोस्ट डाली है, मिलेगी नहीं मिलेगी ये नहीं पता, सिंपल डाली मैंने, रजिस्ट्री निकलवाई मैंने। कॉमिक आगे था, मैंने पहले जब आ रहा था नीचे से तो मैंने सोचा पहले कॉमिक आएगा हिक्किम के लिए कहीं और से रास्ता होगा, ऊपर आने के बाद पता चला कि जहाँ पे हम रुके हैं वो हिक्किम है और कॉमिक आगे है। ओह माय गॉड, और यहाँ की मिट्टी ना रेत की तरह है। नेटवर्क पता नहीं किस चीज़ के टावर लगे हुए हैं, बट एयरटेल का नेटवर्क नहीं है इधर, जियो के टावर है मेरे ख्याल से, जियो का नेटवर्क आ रहा है। ये आ गया वेलकम टू स्पीति वैली का बोर्ड, ये हर जगह देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे हम अपनी बाइक लगा दें, लगा दी इधर सेफ है। तो गाइस ये है कॉमिक विलेज, नज़ारे देखो आप नज़ारे। फोटो खिंचवा ली बड़ी मुशक्कत के बाद में, बहुत ज़्यादा भीड़ है इधर। एक ही बोर्ड है यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड कनेक्टेड विद मोटरेबल रोड, सो ये बोर्ड वहाँ यहाँ पे है और यहाँ पे सभी फोटो खिंचवा रहे हैं। सो कॉमिक विलेज है वो नीचे है, ये नीचे मेरे नीचे जो दिख रहा है वो कॉमिक विलेज है। चलो अभी वापस निकलते हैं और आज फिर से नीचे जाएंगे, जिस रोड से ऊपर आए हैं काजा से होके हम आगे निकल जाएंगे नाको के लिए। गाइस निकल रहे हैं हम वापस कॉमिक से, बहुत सारे टूरिस्ट इधर पहुंच रहे हैं।
सो गाइस ये था स्पीति राइड के डे फोर्थ का पार्ट वन, और हम मॉर्निंग में लिंगति से निकले डे फोर्थ को, और उसके बाद में हम काजा गए वापस, और काजा से कॉमिक और हिकिम गए। यहाँ तक मैंने ये पार्ट वन में कवर किया हुआ है, और उसके बाद में हम गए ताबो मिनिस्ट्री देखने के लिए, उसके बाद में हम सीधे चले गए थे नाको में जाके वहाँ रुक गए थे। सो गाइस आई होप आप सभी स्पीति राइड का जो कंटेंट है पसंद कर रहे हैं। अगर आप कंटेंट पसंद कर रहे हैं तो वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस मैं आप सभी से मिलूंगा स्पीति राइड के एक और नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, राइड सेफ, स्टे सेफ।